वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है वह है स्त्री रोग विज्ञान संबंधित परिभाषाएं हैं, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो डेफिनेशन लेके आए हूँ गायनेकोलॉजी से रिलेटेड। तो पहला है गायनेकोलॉजी क्या होता है। तो गायनेकोलॉजी का मतलब होता है स्त्री जनन अंगों तथा स्तन संबंधी जो रोगों का अध्ययन किया जाता है वह गायनेकोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है मेनोरिया। एमनोरिया क्या कहलाता है, तो किसी महिला में जो मासिक चक्र होता है जिसको मेनिस्ट्रल साइकिल कहते हैं, अनुपस्थित होना एमिनोरिया कहलाता है। नेक्स्ट प्राइमरी फिजियोलॉजिकल एमनोरिया। प्राइमरी फिजियोलॉजी एमनोरिया जो होता है महिला में यौन प्रारंभ प्यूबर्टी से पहले मासिक चक्र का अनुपस्थित होना प्राइमरी फिजियोलॉजिकल एमनोरिया कहलाता है। काफी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है फ्रेंड्स, जो आपके सभी एग्जाम्स में काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इससे कई एग्जाम्स की आपको तैयारी हो जाएगी। नेक्स्ट है सेकेंडरी एमिनोरिया। एक बार सामान्य मासिक चक्र के प्रारंभ हो जाने के बाद 6 महीने या इससे अधिक समय के लिए मासिक चक्र का बंद हो जाना सेकेंडरी एमिनोरिया कहलाता है। नेक्स्ट है प्राइमरी पैथोलॉजिकल एमिनोरिया। किसी महिला में 16 वर्ष की उम्र पर भी मासिक चक्र की शुरुआत नहीं हो पाना प्राइमरी पैथोलॉजिकल एमनोरिया कहलाता है। नेक्स्ट क्रिप्टोमिनोरिया। वह स्थिति जब महिला में मासिक रूप से एंडोमेट्रियम में की जो सेडिंग होती है तथा रक्त स्त्राव भी होता है, परंतु जो जनन नाल के मार्ग में बाधा होने के कारण रक्त जनन नाल से बाहर नहीं आ पाता है, इसे क्रिप्टोमिनोरिया कहते हैं। नेक्स्ट डिसमिनोरिया। डिसमिनोरिया क्या होता है, दर्द युक्त जो मासिक धर्म होता है पेनफुल मेनस्ट्रुएशन जो होता है उसको डिसमिनोरिया कहते हैं। नेक्स्ट मेनोरेजिया। जब मासिक धर्म के दौरान असामान्य रूप से अत्यधिक मात्रा में और अथवा अधिक अवधि के लिए ब्लीडिंग होती है तो इस अवस्था को मेनोरेजिया कहते हैं। नेक्स्ट एपीमेनोरेजिया या फिर पॉलीमेनोरिया क्या होता है, तो जब मासिक चक्र की अवधि 28 से 30 दिनों की होती है या घटकर 21 दिन या फिर इससे कम हो जाती है तो इस स्थिति को एपीमेनोरिया या फिर पॉलीमेनोरिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट ओलिगोमेनोरिया। तो जब मासिक चक्रों के मध्य का जो अंतराल 28 से 30 दिनों से बढ़कर 35 दिनों या उससे अधिक हो जाता है तो इस स्थिति को ओलिगोमेनोरिया कहलाता है। हाइपोमेनोरिया। तो जब मासिक धर्म के दौरान होने वाले रक्त स्त्राव की मात्रा तथा अवधि कम हो जाती है तो इस स्थिति को हाइपोमेनोरिया कहते हैं। नेक्स्ट मेट्रोरेजिया। गर्भाशय से होने वाले जो अनियमित इरेगुलर तथा अचक्रीय एसाइक्लिक जो ब्लीडिंग होती है वह मेट्रोरेजिया कहलाती है। प्यूबर्टी। वह उम्र जब मादा में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों जैसे सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर जो करेक्टराइटिक्स होते हैं उसका विकास होना प्रारंभ हो जाता है तथा जनन अंग फंक्शनल अवस्था में आ जाते हैं तो वह स्थिति प्यूबर्टी कहलाती है। नेक्स्ट मेनार्क। किसी महिला के जीवन में आने वाला प्रथम मासिक चक्र मेनार्क मेनार्च कहलाता है। नेक्स्ट मिनीपोस। जब किसी महिला में मासिक चक्र पूर्ण रूप से बंद हो जाती है तो यह मिनीपोस कहलाता है। महिला में अक्सर 45 से 50 वर्ष की उम्र पे यह अवस्था आती है, इसके बाद मासिक चक्र का आना बंद हो जाता है, इसे कहते हैं मिनीपोस। नेक्स्ट है प्रीकोशियस प्यूबर्टी। किसी भी लड़की में 8 वर्ष से पूर्व की उम्र पर ही द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकसित हो जाना या फिर 10 वर्ष से पूर्व की उम्र पर ही मासिक धर्म का प्रारंभ हो जाना
प्रीकोशियस प्यूबर्टी कहलाता है। नेक्स्ट, पायोमेट्रा, गर्भाशय गुहा यूट्राइन कैविटी में मवाद या जो मवाद का एकत्रित हो जाना पायोमेट्रा कहलाता है। नेक्स्ट, एंडोमेट्रियोसिस, गर्भाशय म्यूकोसा के अलावा किसी अन्य स्थान पर फंक्शनाइजिंग एंडोमेट्रियम की उपस्थिति एंडोमेट्रियोसिस कहलाती है। नेक्स्ट, जेनिटो यूरिनरी फिस्टुला, मूत्रीय तथा जनन नाल जो जेनाइटल ट्रैक्ट के मध्य असामान्य कम्युनिकेशन जेनाइटो यूरिनरी फिस्टुला कहलाता है। नेक्स्ट, डायलेशन एंड क्यूरेटेस, इस ऑपरेटिव प्रक्रिया के दौरान पहले जो सर्वाइकल केनाल का जो डायलेशन होता है उसका मतलब जो डायलेशन किया जाता है, इसके पश्चात जो यूट्रिन करेटेस किया जाता है। नेक्स्ट, क्रायोसर्जरी, इसके अंतर्गत फ्रीजिंग द्वारा जो शरीर के असामान्य ऊतकों को नष्ट किया जाता है उसे क्रायो सर्जरी कहते हैं। नेक्स्ट, पेरिनियोप्लास्टी, लैंगिक कार्य सेक्सुअली फंक्शन को एडिक्वेट बनाने के लिए सक्रिय योनि द्वार या जो वेजाइनली टोरियस का जो पुनर्निर्माण करना पेरिनियोप्लास्टी कहलाता है। नेक्स्ट, हिस्टेरेक्टोमी, सर्जिकल प्रक्रिया के द्वारा गर्भाशय को हटा देना हिस्टेरेक्टोमी कहलाता है। जेनाइटल प्रोलैप्स, सहायक संरचनाओं की कमजोरी के कारण मादा जनन तंत्र के अंगों जैसे वेजाइनल वॉल तथा यूट्रस का अपनी सामान्य स्थिति से नीचे की ओर खिसक जाना जेनाइटल प्रोलैप्स कहलाता है। नेक्स्ट, ओफोरोस्फोराइटिस, उभरी का इन्फ्लामेशन ओफोराइटिस कहलाता है। नेक्स्ट, एंडोमेट्राइटिस, गर्भाशय की सबसे जो आंतरिक कवरिंग एंडोमेट्रियम का इन्फ्लेशन एंडोमेट्राइटिस कहलाता है। नेक्स्ट, सेल्फिंग गिटिस, फेलोपियन ट्यूब का जो इन्फ्लामेशन होता है वह सेल्फिंग गिटिस कहलाता है। नेक्स्ट, सर्वाइसिटिस, जो सर्विक्स का इन्फ्लामेशन होता है वह सर्वाइसिटिस कहलाता है। नेक्स्ट, बर्थोलिनिटिस, बर्थोलिन जो ग्रंथि होती है उसका इन्फ्लामेशन बर्थोलिनिटिस कहलाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट फ्रेंड्स, इनफर्टिलिटी, नियमित रूप से एक साल या इससे अधिक समय तक बिना गर्भनिरोधक साधनों के उपयोग के संभोग करने के बाद भी किसी महिला का गर्भधारण नहीं कर पाना इनफर्टिलिटी कहलाता है। तो फ्रेंड्स, ये रहे आज के कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन गायनेकोलॉजी से रिलेटेड। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहे होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड डे, जय हिंद, जय भारत।